मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आज मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों और युवाओं में कौशल विकास करके ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इस बिंदु को लेकर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल बनाकर विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने ड्रॉप आउट की संख्या घटाकर बच्चों को स्कूल शिक्षा से पुनः जोड़ने की बात भी कही। स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली को समझा। बैठक में बोर्ड के संचालक प्रभात राज तिवारी ने बताया कि बोर्ड की रुक जाना नहीं योजना से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फायदा मिला है। प्रदेश में करीब 5,00,000 बच्चों ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा इस योजना से जुड़कर उत्तीर्ण की है और आगे की पढ़ाई जारी रखी है। बैठक में बोर्ड की अन्य अलर्ट चले योजना की भी समीक्षा की गई। इस योजना का लाभ 2,000 विद्यार्थियों ने उठाया है। बैठक में बताया गया कि बोर्ड राज्य के मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा सुपर 100 की प्रवेश परीक्षा के साथ श्रमोदय विद्यालय सीएम राइज स्कूल प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करता है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कारण बोर्ड को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान से प्रथम पुरस्कार भी मिला है। बैठक में बताया गया कि बोर्ड सबके लिए शिक्षा के मिशन के साथ कार्य कर रहा है। भोपाल, आगरा, सुजालपुर, छतरपुर, मुरैना, इंदौर, सीहोर, दतिया, दमोह, देवास और बालाघाट में एक ही परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।